लास्ट के वीडियोस में हमने ये देखा कि अल्गोरिदम क्या होता है, उसके एग्जांपल्स क्या है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एज वेल एज हम अपना कस्टम अल्गोरिदम कैसे लिख सकते हैं। सो अगर आपने वो वीडियोस को रेफर नहीं किया है सो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि आप उसे रेफर कर लीजिए। वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। नाउ सी, सिर्फ अल्गोरिदम लिखना ज़रूरी नहीं होता, उसे प्रॉपर वे में एफिशिएंटली लिखना ज़रूरी होता है। सो क्यों, अभी हम उसे देखते हैं। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं एक सिंपल एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहूँगा। जस्ट फर्स्ट से आपका घर यहाँ पर है और यहाँ समवर्ड मान लेते हैं कि आपका स्कूल है। ओके, सो आपको अपने घर से अपने स्कूल तक जाना है। सो अभी आपके पास मल्टीपल रूट्स होंगे, ये भी एक रूट है, यहाँ से भी आपके पास एक रूट है, यहाँ से भी आपके पास एक रूट है। सो अब आप कौन सा रूट सेलेक्ट करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है। सो बेसिकली जनरली जो ह्यूमन नेचर होता है वो चाहता है कि हम हर काम बहुत ही जल्दी ख़त्म करें। सो डेफिनेटली आप यहाँ पे कौन सा रूट चूज़ करेंगे जिसमें कि आपको कम टाइम लग रहा हो, जिसमें आपके एफर्ट्स कम लग रहे हो, आप ऐसे वाले रूट को ही चूज़ करेंगे। तो सेम उसी तरीके से जैसे यहाँ पर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा क्या था कि हमें घर से स्कूल तक जाना है और हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस थे और उसमें से हमने उसे चुना जो कि हमें कम टाइम में पहुँचा रहा था। तो उसी तरीके से जब हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा जिसके लिए हमें अल्गोरिदम लिखना होगा, सो मल्टीपल पीपल अलग अलग अल्गोरिदम्स लिखेंगे। ओके, सो एक प्रॉब्लम के लिए हमारे पास मल्टीपल अल्गोरिदम्स हो सकते हैं, इवन एग्जिस्ट करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप सॉर्टिंग अल्गोरिदम्स देखेंगे तो आपके पास कई सॉर्टिंग अल्गोरिदम्स हैं, क्विक सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, तो ये सारे सॉर्टिंग अल्गोरिदम्स हैं। सो अभी क्वेश्चन अराइजेस, जब मेरे पास इतने सारे अल्गोरिदम है तो उनमें से मैं कौन से अल्गोरिदम को चूज़ करूँ। ओके, सो कुछ तो ऐसे फैक्टर्स हम भी देखना चाहेंगे कि इस फैक्टर के बेसिस पे या इस चीज़ के बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं, उस अल्गोरिदम को चूज़ करने वाले हैं। और वो दो चीज़ें हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का नाम सुनते ही आपको समझ में आ जाता है, फिर भी मैं एक रफ आइडिया दे देता हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से सिंपल सा मतलब ये है कि एक अल्गोरिदम रन होने के लिए कितना टाइम ले रहा है, उससे हम बोलते हैं उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। उसी तरीके से एक अल्गोरिदम कितना स्पेस का यूटिलाइजेशन कर रहा है, उसे हम बोलते हैं उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो बेसिकली एक अल्गोरिदम कितना टाइम और कितना स्पेस ले रहा है, उस बेसिस पे हम इवेलुएट करते हैं कि उस अल्गोरिदम का परफॉर्मेंस कैसा है। सो जब हमारे पास मल्टीपल अल्गोरिदम्स होंगे, हम उन सब की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कंपेयर करके ये डिसाइड करेंगे कि जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम होगी वो अल्गोरिदम सेम काम बहुत ही कम टाइम में परफॉर्म कर रहा है, सो डेफिनेटली दैट विल बी द सुटेबल अल्गोरिदम। सो अब मैंने आपको जनरली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है उसका एक रफ आइडिया दे दिया कि अल्गोरिदम जितना भी टाइम लेता है रन होने के लिए उसे हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और जितना स्पेस लेता है स्टोरेज के लिए उसे हम बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। बट फॉर्मल डेफिनेशंस आर डिफरेंट। फॉर्मल डेफिनेशंस ने एक्चुअल बताया है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। नाउ सी, अगर मैं कहता हूँ कि एक अल्गोरिदम रन होने के लिए जितना टाइम लेता है उसे मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलूँ, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है क्या? सो जस्ट अज्यूम यहाँ पर मेरे पास एक अल्गोरिदम है जिसमें कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, ये हमारा अल्गोरिदम है, और मेरे पास दो मशीन्स हैं, यहाँ पर एक सिस्टम है और यहाँ एक सिस्टम है। नाउ द थिंग इज, अगर मैं कह देता हूँ कि ये अल्गोरिदम रन होने के लिए जस्ट से फॉर एग्जाम्पल 3 सेकेंड्स ले रहा है, तो क्या ये ज़रूरी है कि ये दोनों मशीन्स में या जितने भी मशीन्स अवेलेबल है सभी में वो 3 सेकेंड्स ही लेगा? डेफिनेटली नॉट। अगर मान लेते हैं कि इसका प्रोसेसर जो है वो i7 है और इसका प्रोसेसर जो है वो i3 है, सो डेफिनेटली इसकी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होगी, सो हो सकता है इसमें कम टाइम ले और इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम भी ले सकता है। सो मशीन स्पेसिफिकली हम बोल नहीं सकते। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि एक अल्गोरिदम रन होने के लिए एग्जैक्टली जितना टाइम ले रहा है वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, सो डेफिनेटली वो सिस्टम टू सिस्टम वेरी करेगा। सो इसीलिए हम सिस्टम स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट्स को नहीं लेते, यानी हम मशीन इंडिपेंडेंट चीज़ ढूंढेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन अल्गोरिदम क्वांटिफाइज द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एन अल्गोरिदम टू रन। मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही कर रहा है, वो क्वांटिफाई कर रहा है, पता लगा रहा है कि एक अल्गोरिदम को रन होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, बट एज फंक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ इनपुट। यानी इनपुट के साथ जितना भी लेंथ ऑफ इनपुट आप दे रहे हो उसके साथ में उसका जो रनिंग टाइम है वो इंक्रीज होएगा या कम होएगा वो बताता है आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, रादर कि आपको एक कॉन्स्टेंट वैल्यू दे।
सो कभी भी किसी अल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसा नहीं होता है कि इसको इतना इतना सेकंड लगा या इतना इतना मिली सेकेंड लगा, नहीं, वो हमेशा आपको लेंथ ऑफ द इनपुट के साथ बताता है कि आपका लेंथ ऑफ इनपुट अगर इतना है तो उस हिसाब से आपको कितना टाइम लगेगा। क्वाड्रेटिक, तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे, क्वाड्रेटिक टाइम लगेगा या लीनियर टाइम लगेगा, लॉगरिथमिक टाइम लगेगा, सो वो हम आगे देखेंगे। तो इन द सेम मैनर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपको वही बताता है कि कितना स्पेस लेने वाला है अल्गोरिदम, बट अगेन दैट टू एज द फंक्शन ऑफ लेंथ ऑफ इनपुट। तो इनपुट्स के लेंथ के साथ आपका स्पेस रिक्वायरमेंट बढ़ेगा या कम होगा वो बताता है। ओके, सो ये इनके फॉर्मल डेफिनेशंस है। सो आपको ये याद रखना है कि लेंथ ऑफ द इनपुट के साथ ही होता है, क्योंकि आगे अभी हम पहले हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर कुछ सम्स देखते हैं ताकि आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। सो अब मैंने यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के कुछ एग्जांपल्स लिख के रखे हैं, हम इन एग्जांपल्स में इन सभी का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला वाला एग्जांपल में, अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ मैं आपको बता दूँ कि जो स्टेटमेंट्स होते हैं, ओके, एवरी लाइन जो है, जैसे ये एक स्टेटमेंट हुआ, ये एक स्टेटमेंट हुआ, इन्हें एग्जीक्यूट होने के लिए कोई भी एक कॉन्स्टेंट टाइम लगता है, एक स्पेसिफिक टाइम, दैट कैन बी 1 मिलीसेकंड या कि जितना भी होता है, डिफर्स फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम। तो हमें वो कॉन्स्टेंट टाइम से कुछ लेना देना है नहीं। सो हम सिंपली बोल सकते हैं कि कोई भी एक कॉन्स्टेंट टाइम से सी लग रहा है हर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने के लिए। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ तो ये जो int a इज इक्वल टू 10 है, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो मैं बोल सकता हूँ से जस्ट से 1 मिलीसेकंड या 1 सेकंड लग रहा है। ओके, कॉन्स्टेंट टाइम लग रहा है, बस इतना आपको जानना है। उस तरीके से ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसे भी एग्जीक्यूट होने के लिए कॉन्स्टेंट टाइम ही लग रहा है। पर द प्रॉब्लम यहाँ पे अभी ये आ जाता है, ये फॉर लूप, ये प्रिंट स्टेटमेंट सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है, ये प्रिंट स्टेटमेंट कम्प्लीटली एन टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो ये फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है आई इज इक्वल्स टू 1 से, ये तब तक चलने वाला है जब तक कि आई का वैल्यू जो है लेस देन और इक्वल टू एन है। मतलब ये फॉर लूप जो है ये बेसिकली कितने टाइम्स चलने वाला है, ये एन प्लस 1 टाइम्स चलेगा। क्यों? नाउ सी, मैं एग्जांपल्स के साथ ही बता देता हूँ। मान लेते हैं कि n का वैल्यू जो है वो क्या है, 10 है। ओके, सो जब i का वैल्यू 1 होगा तो ऑब्वियसली 1 लेस देन 10 होगा और हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, i प्लस प्लस होगा, सो दैट इज़ द थिंग। तो अब ये जो प्रोसेस है, अब i का वैल्यू 2 होगा, अगेन ये एग्जीक्यूट होगा, i का वैल्यू 3 होगा, अगेन ये एग्जीक्यूट होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इवन 10 जब हो जाएगा तब भी 10 लेस देन इक्वल टू 10 होएगा। पर उसके बाद में भी एक और बार लूप एग्जीक्यूट होगा जिसमें ये चेक होगा, जिसमें ये देखा जाएगा कि i का वैल्यू अभी 11 है जो कि लेस देन इक्वल टू n नहीं है। ओके, सो ये यहाँ पर ये चेक होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट जो है ये n टाइम्स ही एग्जीक्यूट होने वाला है, पर ये जो चेकिंग है ये कितने टाइम होने वाली है, ये n प्लस 1 टाइम्स होने वाली है। ओके, सो अब अगर मैं इन सभी का रफली सम निकाल दूं, सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं बोलूं तो ये क्या होएगा, 1 प्लस दिस प्लस दिस, सो ये हो जाएगा समवॉट कुछ ऐसा। तो इसको अगर मैं कर भी दूं प्लस तो ये हो जाएगा n प्लस 3। ना जस्ट निगलेक्ट दिस कांस्टेंट पार्ट। क्यों? देखो, कांस्टेंट से हमें कुछ लेना देना है नहीं, हमें जानना है कि मैक्सिमम पॉसिबल, जिसका ऑर्डर हमें हाईएस्ट ऑर्डर से मतलब है, हाईएस्ट डिग्री, सो कांस्टेंट इज ऑलवेज नेग्लिजिबल। तो इससे अगर हम साइड कर दें तो हमें क्या मिलता है, n। तो बेसिकली इस पूरे इसका ये जो पीस ऑफ कोड है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी व्हाट, बिग ओ ऑफ n, वेर n इज द लेंथ ऑफ द इनपुट। तो यहाँ पर वही हमने इधर पढ़ा था डेफिनेशन में कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अल्गोरिदम जो होता है वो हमेशा क्या करता है, क्वांटिफाई करता है कि एक पीस ऑफ कोड को या अल्गोरिदम को कितना टाइम लग रहा है एज द लेंथ ऑफ द इनपुट, एज अ फंक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द इनपुट। तो इनपुट के लेंथ के हिसाब से वो हमें बताता है कि इसको कितना टाइम लगने वाला है। ओके, सो अब हम हमारे नेक्स्ट वाले एग्जांपल की तरफ जाते हैं। सी, ये तो एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, इसको एग्जीक्यूट होने के लिए कांस्टेंट टाइम लगने वाला है, जस्ट से 1। सो अब यहाँ पर दो फॉर लूप्स है, बट ध्यान से देखिएगा, ये दोनों फॉर लूप्स एक दूसरे के अंदर, ये वाला जो फॉर लूप है इसके अंदर नेस्टेड है, यानी इसके हर एक इटरेशन के लिए ये वाला लूप चलने वाला है। ओके, नाउ अब यहाँ पर तो मैंने बता ही दिया है कि फॉर लूप को एग्जीक्यूट होने के लिए n प्लस 1 टाइम्स लगने वाला है। सो ये वाले फॉर लूप को एग्जीक्यूट होने होएगा ये कितने बार, n प्लस 1 टाइम्स। ये भी कितने बार एग्जीक्यूट होने वाला है, ये भी n प्लस 1 टाइम्स ही एग्जीक्यूट होने वाला है। लेकिन अब यहाँ पे क्या थोड़ा सा ग्लिच है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने जैसे कि कहा ये लूप जो है ये भले ही n प्लस 1 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा,
लेकिन इसके अंदर का जो कंटेंट है वो कितने बार एग्जीक्यूट होने वाला है, वो एन टाइम्स ही एग्जीक्यूट होने वाला है। क्यों? क्योंकि एन प्लस वन वाला जो टाइम है ना, लास्ट इटरेशन, लास्ट वाला जो टाइम है ना, वहाँ पे सिंपली ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगा, तो वो वाला, तो उस वाले इटरेशन में अंदर का कंटेंट एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। सिंपल से एग्जाम्पल अगर मैं देके बताऊँ, मान लेते हैं कि यहाँ पर भी एन का वैल्यू जो है वो है 10। सो आई का वैल्यू 0 जब था, तब से लेके आई का वैल्यू जब तक 9 हो जाता है, तब तक ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता रहेगा, तो अंदर का कंटेंट जो है वो चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही आई का वैल्यू 10 हुआ, यानी 11th इटरेशन, तो उसमें 10 इज़ नॉट लेस देन 10, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, ओके, सो ये वाला कंटेंट एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। सो इसका सीधा सा मतलब ये है कि भले ही ये वाला लाइन जो है ये 11 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ हो, पर इसके अंदर का जो कंटेंट है वो ओनली कितने बार एग्जीक्यूट हुआ है, 10 टाइम, यानी n टाइम्स ही एग्जीक्यूट हुआ है। सो इसीलिए, क्योंकि इसके हर इटरेशन में ये एग्जीक्यूट होने वाला है और ये पूरा अंदर का कंटेंट n टाइम्स एग्जीक्यूट होने वाला है, सो n इंटू n प्लस वन टाइम्स ये फॉर लूप जो है ये क्या होने वाला है, एग्जीक्यूट होने वाला है। आप वैल्यूज़ डाल के चेक करिएगा, n के डमी वैल्यूज़ लेके, तो आपको समझ में आएगा। सो इसका अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लूँ तो ये सब का मैं सम अप कर देता हूँ। सो एन प्लस वन प्लस एन इंटू एन प्लस वन और ये 1। सो अगर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन प्लस वन, तो एज इट इज़ पहले हमें मल्टीप्लीकेशंस को सॉल्व करना होता है। सो अगर अब हम इसे ऑर्डर वाइज लिखे, सो एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2। सो ये कुछ n के टर्म्स में हमें ये मिल रहा है। अगेन, क्योंकि हम हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हमेशा हाईएस्ट ऑर्डर के फॉर्म में दिखाते हैं, सो यहाँ पे हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाएगा, बिग ऑफ एन स्क्वायर। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म क्या है, एन स्क्वायर, तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो होगा बिग ऑफ एन स्क्वायर। नाउ सी, ये दोनों टर्म्स हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं किए। क्यों? क्योंकि सी, इसके लिए एग्जीक्यूशन का टाइम जो है ना, वो इन दोनों से ज़्यादा होने वाला है। ये तो कॉन्स्टेंट है, ये नेग्लिजिबल है, ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है। सो आप कुछ भी वैल्यूज़ डाल के देख सकते हैं। जब n का वैल्यू 2 होगा, n स्क्वायर का वैल्यू डेफिनेटली विल बी 4। अगर n का वैल्यू जो है वो 5 होने वाला है, तो n स्क्वायर का वैल्यू जो होने वाला है वो 25 होने वाला है। तो इसका मतलब ये वाला टर्म जो है ये डोमिनेंट है इससे, इसीलिए हमने ऑर्डर ऑफ ग्रोथ में किसको लिया है, इसको लिया है। ऑर्डर ऑफ ग्रोथ में हमेशा हम किसे लेते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर वाला जो टर्म होता है उसे लेते हैं। सो अब हम हमारे थर्ड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। सी, देखने में भले ही आपको बिल्कुल फर्स्ट वाले के जैसे लग रहा हो, बट डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा था और वहाँ पे आई का वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। सो आई का वैल्यू इनिशियली 1 है, आई लेस देन एन जब तक है तब तक आई का वैल्यू जो है वो क्या होने वाला है, ट्वाइस होने वाला है, मल्टीप्लाई बाई 2 होने वाला है। ये तो स्टेटमेंट है, इसे एग्जीक्यूट होने के लिए कॉन्स्टेंट टाइम लगेगा, सो जस्ट नेग्लेक्ट दैट पार्ट। सो अब हम इसे देखते हैं, तो इटरेशन वाइज समझते हैं। सो जब आई का वैल्यू 0 मतलब 1 है, तब जब इंक्रीमेंट होगा, इसमें थोड़ा प्रॉपर वे में लिखता हूँ। सो पहले तो आई का वैल्यू 1 था, फिर उसके बाद में आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 यानी 2 होगा। फिर आई का वैल्यू जो है वो थर्ड इटरेशन में क्या हो जाना है, सो अभी आई का वैल्यू 2 है, सो 2 इंटू 2 यानी 4 हो जाएगा, जो कि क्या है, 2 का स्क्वायर है। अब फोर्थ इटरेशन में, मैं यहाँ पे इटरेशन नंबर लिख लेता हूँ। सो यहाँ पे फोर्थ इटरेशन जब आएगा, तब i का वैल्यू क्या है, 4 है, और 4 इंटू 2 यानी क्या हो जाएगा, 8 यानी 2 का क्यूब। सो इसी तरह i का वैल्यू जो है वो क्या होने वाला है, इंक्रीमेंट होते होते जाने वाला है, सॉरी इंक्रीमेंट नहीं, मल्टीपल होते होते जाने वाला है। कब तक होने वाला है, जब तक कि i का वैल्यू जो है वो क्या है, लेस देन n है। अभी n का वैल्यू हमें मालूम नहीं कि n का वैल्यू क्या है, लेकिन इतना ही ये है कि हर इटरेशन में आई का वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है बल्कि मल्टीपल हो रहा है। सो अज्यूम ऐसे ही आई, ये जो 2 का वैल्यू एक्सपोनेंट होते होते फाइनली ये हो गया है 2 to the power k, और इस वक्त, एट दिस मोमेंट, आई का वैल्यू जो है वो बढ़ चुका है, एन से ज़्यादा हो चुका है या एन के बराबर हो चुका है। सो बेसिकली हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं दैट आई जो है हमारा क्या हो चुका है, ग्रेटर देन नहीं तो इक्वल है किससे, एन से, क्योंकि जब ये कंडीशन होगा तभी ये लूप जो है वो टर्मिनेट होगा। और उस वक्त हम मान के चल रहे हैं कि आई का वैल्यू जो है वो क्या है, 2 to the power k है। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 to the power k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तो इसको अब मैं इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दूँ तो 2 to the power k इज़ इक्वल टू एन। सो अगर मैं अभी इसको कन्वर्ट करूँ, अगर आपने लॉग सीखा होगा तो आपको पता होगा दैट k विल बी इक्वल टू log to the base 2 n।
सो अब मैं इसे कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ पे मेरा ऑर्डर ऑफ ग्रोथ जो है वो क्या होने वाला है, बिग ओ ऑफ लॉग टू द बेस टू एन या फिर लॉग एन, आप जो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। सो इस केस में हमारा जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ था वो लॉगरिथमिक था, यहाँ हमारा क्वाड्रेटिक है और यहाँ पे हमारा लीनियर है। तीनों के ही मैंने एग्जांपल्स देके दिखाए हैं, और भी तरह से हो सकते हैं, एन लॉग एन वाला भी होता है। नाउ सी, यहाँ पर हमने जो भी किया है इसे हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस बोलते हैं। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस क्या होता है, बेसिकली जब हम परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं इन टर्म्स ऑफ द इनपुट साइज, उसे हम बोलते हैं एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इन सभी के जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसे इन टर्म्स ऑफ इनपुट के साइज निकाला है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं हमने यहाँ पे जो किया है वो क्या है, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस है। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन। तो मेनली हमारे पास तीन एसिम्प्टोटिक नोटेशंस है, बिग ओ, बिग ओमेगा एंड बिग थीटा, और हमने यहाँ पर बिग ओ यूज़ किया है तीनों ही केसेस में। सो अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, हम किसी भी अल्गोरिदम या किसी भी कोड का जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं हम ऑलवेज बिग ओ में ही उसे लिखते हैं, जबकि हमारे पास बिग ओमेगा और बिग थीटा भी होता है। क्यों ऐसा करते हैं हम? द रीज़न इज़, सी बिग ओ जो है ना वो हमेशा हमें अपर बाउंड बताता है, अपर बाउंड। सो किसी भी अल्गोरिदम का मैक्सिमम पॉसिबल टाइम कितना होगा एकदम वर्स्ट केस में। मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊं, जस्ट मान लेते हैं कि हमारे पास एक एरे ऑफ एलिमेंट्स है और मुझे एक एलिमेंट को क्या करना है, सर्च करना है, जो कि एकदम लास्ट में है, एकदम लास्ट में है, और मैं यहाँ से सर्च स्टार्ट कर रहा हूँ। सो मुझे ये पूरा का पूरा एरे ट्रैवर्स करना होगा। ओके, सो क्योंकि एलिमेंट एकदम लास्ट में है सो ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अगर ये फर्स्ट में होता तो मुझे एकदम, ये होता बेस्ट केस, यानी मुझे एकदम पहले ही एलिमेंट मिल जाता। अगर ये समवॉट मिडल में होता तो होता एवरेज केस, पर ये एकदम लास्ट में है तो वो क्या हो जाएगा, वर्स्ट केस। सो किसी भी अल्गोरिदम का सबसे वर्स्ट केस या सबसे ख़राब सिनेरियो में कितना टाइम लग सकता है वो हमें कौन बताता है, बिग ओ। तो बिग ओ हमेशा हमें अपर बाउंड देता है, इसलिए हम इन सभी के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बिग ओ में लिखते हैं। ओके, हमारे पास भले ही बिग ओमेगा एज वेल एज बिग थीटा भी है, बट हम उन बिग ओ को यूज़ करने के पीछे का रीज़न ये है। सो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे कवर करने के लिए हम एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, एज वेल एज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे।